मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हालिया साइबर हमलों से मुतासर हो सकता था। कैनेडियन खुफिया एजेंसी का कहना था कि रूसी नवास हैकर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते थे। मुस्तकबिल के बारे में चौकन्ना रहना होगा, किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के 1,00,000 से ज़ायद मुलाजमीन की हड़ताल, अहम सरकारी शोबों के मुतासर होने का खदशा। PSEC के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। कनाडा के टोरंटो में शदीद गर्मी ने तकरीबन 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जुमेरात को दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। वीकेंड पर मौसम सर्द होने का इम्कान। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात लीक करने वाला शख्स एयरफोर्स अहलकार निकला। 21 साला मुलजिम एयर नेशनल गार्ड के इंटेलिजेंस विंग का रुकन है। गिरफ्तार सिक्योरिटी अहलकार इंटेलिजेंस मामलात में महारत रखता है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मूसलाधार बारिशों के सबब 400 परवाजें मनसूख हो गईं। शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्कूल बंद कर दिए गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक का कहना है कि साइबर धमकी देने वाले अनासिर में हाल ही में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक का कहना है कि साइबर धमकी देने वाले अदाकार में हाल ही में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने की सलाहियत थी, जो कि रूस नवाज हैकर से मुंसलिक लिंक्स के सिलसिले में कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त इंतबाह है। सहाफियों के साथ ब्रीफिंग के दौरान CSE के कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी के सरबरा समी खौरी ने कहा, मैं रिपोर्ट कर सकता हूं कि कनाडा के तवानाई के किसी बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कोई गलती ना करें, खतरा हकीकी है। इस हफ्ते के शुरू में अमरीकी इंटेलिजेंस दस्तावेजात के लीक होने से पता चलता है कि रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स ने कनाडा के कुदरती गैस की तकसीम के नेटवर्क तक कामयाबी से रसाई हासिल कर ली है। खोरी ने कहा कि वो इस लीक पर कोई तबसरा नहीं कर सकते और हालिया साइबर खतरे के बारे में मजीद मालूमात शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने जुमेरात को एक ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों को बताया, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आवामी तौर पर बात नहीं करते, लेकिन हम ऑपरेटर्स के साथ बराह रास्त शेयर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनके
इंफ्रास्ट्रक्चर के दिफा में उनकी मदद कर सकते हैं। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि कैनेडा ने रूस के साथ मुंसलिक साइबर खतरे की सरगर्मियों में काबिल जिक्र इजाफा देखा है और 12 अप्रैल को एक साइबर फ्लैश जारी किया ताकि कैनेडियन शहरियों को अहम शोबों को जारी मुहिम के बारे में आगाह किया जा सके। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा के तहत तकरीबन 1,24,000 मुलाजमीन बुध को कानूनी हड़ताल की पोजीशन में दाखिल हुए और तकरीबन 35,000 मजीद उनके साथ शामिल होने वाले हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा के तहत तकरीबन 1,24,000 मुलाजमीन बुध को कानूनी हड़ताल की पोजीशन में दाखिल हुए और तकरीबन 35,000 मजीद उनके साथ शामिल होने वाले हैं। यहाँ तक कि जब उन दसियों हजार कारकुनों को जरूरी समझा जाता है और वो हड़ताल नहीं कर सकते। यूनियन ने कहा 1,00,000 से ज्यादा अमला कनाडा भर में चंद दिनों के नोटिस के साथ मुलाजमत छोड़ सकता है। ये सरकारी अफरादी कुव्वत का एक अहम हिस्सा समझे जाते हैं। बातचीत जारी है और तमाम मालूमात आम नहीं है, लेकिन यूनियन ने जिंदगी की ज्यादा कीमत की वजह से उजरतों पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की है। वफाकी हुकूमत ने बताया कि वो ऐसे मुहायदों की तलाश कर रही है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना हो और टैक्स दहिंदगान के लिए माकूल हो। यूनियनों और आजरों को आमतौर पर लेबर कोड के तहत कानूनी हड़ताल की पोजीशन में दाखिल होने के 60 दिनों के अंदर हड़ताल या लॉकआउट शुरू करने के लिए 72 घंटे का नोटिस देना होता है। PSAC ताहम फेडरल पब्लिक सेक्टर लेबर रिलेशंस एक्ट के जेरे इंतजाम है, जिसके तहत यूनियन को आजर को 72 घंटे की हड़ताल का नोटिस फराहम करने की जरूरत नहीं है। PSAC ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो सीधा कौमी हड़ताल पर जाए, बजाय इसके कि वो हुक्मरानी के लिए काम करे या पहले ज्यादा टारगेटेड या रोलिंग हड़तालें करें। वफाकी हुकूमत के पास 23 महकमों और एजेंसियों की फहरिस्त है जो मुतासिर होंगे और वो हड़ताल की सूरत में मुमकिन तब्दीलियों के बारे में क्या जानती है। हड़ताल से कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी, ज़राअत और एग्री फूड कैनेडा, फिशरीज एंड ओशियंस कैनेडा, आलमी उमूर कैनेडा, इमिग्रेशन, महाजरीन और शहरियत कैनेडा, सर्विस कैनेडा, वेटनर्स अफेयर्स कैनेडा के शोबे मुतासिर होंगे। कैनेडा के टोरंटो में शदीद गर्मी ने तकरीबन 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूरज की रोशनी और गर्म दर्जा हरारत जुमे को और हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगा, इससे पहले कि अगले हफ्ते मौसम ठंडा हो जाए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के टोरंटो में शदीद गर्मी ने तकरीबन 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूरज की रोशनी और गर्म दर्जा हरारत जुमे को और हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगा, इससे पहले कि अगले हफ्ते मौसम ठंडा हो जाए। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक जुमेरात के रोज टोरंटो का दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो जुमेरात को 13 अप्रैल को 1977 के बाद से रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा गर्म तरीन दिन था, जब पारा 27.1 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक अगले हफ्ते ऑन्टेरियो सूबे में बर्फबारी हो सकती है, ताहम वीकेंड पर शहरी गर्म और सर्द मौसम का सामना कर सकते हैं। हफ्ते के रोज शहर में धूप निकली रहेगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दिन के औकात में 22 और रात के औकात में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार के रोज शहर में हल्की बारिश का इम्कान, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 21 और रात के औकात में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। पीर के रोज शहर में बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान है। शहर में बारिश का सिलसिला मंगल के दोपहर तक जारी रह सकता है। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात लीक करने वाला शख्स एयरफोर्स एहलकार निकला। एयर नेशनल गार्ड्स के मुश्तबा एहलकार को मैसाचुसेट्स से गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात लीक करने वाला शख्स एयरफोर्स एहलकार निकला। एयर नेशनल गार्ड्स के मुश्तबा एहलकार को मैसाचुसेट्स से गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कार्रवाई करते हुए यूक्रेन जंग से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात लीक करने वाले अमरीकी फौजी अहल को गिरफ्तार कर लिया। FBI ने बताया कि 21 साल जैक डिगलस एयर नेशनल गार्ड के इंटेलिजेंस विंग का रुकन और अमरीकी फौजी दस्तावेजात लीक करने वाली ऑनलाइन ग्रुप का रुकन है, जहां से फाइलें लीक हुई थी। अमरीकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड ने बताया कि एयरफोर्स नेशनल गार्ड के एक रुकन को, जिसे इंतहाई क्लासिफाइड मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स के लीक करने में एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जुमेरात को फेडरल एजेंट से हिरासत में लिया। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि गिरफ्तार सिक्योरिटी अहलकार इंटेलिजेंस मामलात में महारत रखता है और उसने ऑनलाइन चैट ग्रुप्स में दस्तावेजात पोस्ट की थी। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स की शनाख्त जैक डिगलस टेक्शेरा के नाम से की है और कहा कि मुलजिम पर कौमी दिफा से मुतालिक क्लासिफाइड मालूमात को गैर कानूनी तौर पर हासिल करने का इल्जाम आयद किया जाएगा।
FBI हुकाम के मुताबिक मुलजिम पर जासूसी एक्ट के तहत फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। ख्याल रहे यूक्रेन जंग से मुतालिक दस्तावेजात लीक होने की वजह से अमरीका के इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ था कि अमरीका अपने इत्तेहादियों की भी जासूसी करता रहा है। दस्तावेजात में अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी जासूसी का इंकशाफ सामने आया कि अमरीका समझता है कि UN सेक्रेटरी जनरल रूसी मफादात को तहफ़ देते हैं, जिस पर UN हुकाम ने अमरीकी दस्तावेजात पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। साहिली शहर फोर्ट लॉडरडेल में मुसलसल बारिश ने शहर को कई फीट पानी में डुबो दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। साहिली शहर फोर्ट लॉडरडेल में मुसलसल बारिश ने शहर को कई फीट पानी में डुबो दिया। शहर की सड़कें तालाब बन गईं और गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गईं। फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिशों के सबब 400 परवाजें मनसूख हो गईं। मुसलसल बारिशों के बायस गाड़ियां डूब गईं, ट्रैफिक जैम हो गया। शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्कूल जुमे तक के लिए बंद कर दिए गए। पानी में फंसे लोगों को कश्तियों से निकाला जा रहा है। शहर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक फोर्ट लॉडरडेल में 24 घंटों के दौरान 635 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो अब तक की हजार साल बारिशों में से एक है। इसके अलावा मियामी में भी गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश जारी है। पिछले कई दिनों में 20 इंच तक बारिश हो चुकी है। माहिरीन का कहना है मुल्क में तवील खुश्क साली के साथ तूफानों की बढ़ती तादाद और शिद्दत मौसमियाती तब्दीलियों का पेश खैमा है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।